का ये 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे अभी भी सप्लाई लेवल शुरू है, बिल्कुल कम्प्लीटली सप्लाई लेवल शुरू है। सप्लाई लेवल को अगर ब्रेक करना है तो निफ्टी को यहाँ से ऊपर वाले ये जो लेवल है, सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अभी भी देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ी डिमांड हमें दिखाई दे रही है, 15 मिनट के नीचे सपोर्ट लेवल के नीचे डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लोअर हाइज बना रहा है निफ्टी, मतलब यहाँ पे सप्लाई ही दिखाई दे रही है, ठीक है, और लोअर लोज बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी में अभी भी हमें यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। तो कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है ये 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे, और इसमें हमारे वो जो 8 पैटर्न हैं ये भी यहाँ पे बताऊंगा, और किस तरीके से हमें कल निफ्टी के लिए हमारा एक प्लान रखना चाहिए ये भी आज मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। दोस्तों आज हम यकीन था हमें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हो सकती है, लेकिन ठीक है बहुत ज़्यादा बाइंग तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग भी नहीं हुई है, और ओवरऑल यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो हमें यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कल के लिए अगर निफ्टी बाइंग देता है, गैप अप ओपन होता है, सपोर्ट लेवल के ऊपर आता है और सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें अगर पोजिशन मिलती है निफ्टी में तो हमें बाय ऑन डीप नीचे की तरफ बाय करना है, कॉल को स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेल करना है, और आप चाहे तो 25 पॉइंट का डायरेक्टली हमारा टारगेट भी लगा दे सकते हैं। दोस्तों जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर, ठीक है, जो मैंने अभी निकाला था, इस लेवल के ऊपर जाकर इस तरीके से उसे सपोर्ट बनाकर ऊपर जाना नहीं है, तब तक हमें बहुत ज़्यादा निफ्टी में बाइंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में मैंने समझा दिया, लेकिन अगर कल ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाए फिर नीचे आए, अब ऊपर नहीं जाना, तो यहाँ पे फिर एक बार हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है इस लेवल के नीचे जाने के बाद, ठीक है, 16,900 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको 8 पैटर्न बताऊंगा यहाँ पे जो 1 मिनट में बनते हैं, जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर निफ्टी ओपनिंग में आपको पहले बाइंग देता है 1 मिनट के चार्ट में, फिर नीचे आता है और स्टॉप लॉस हिट करता है, अब उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा, अब नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, और यह से ऊपर जा रहा, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमें बाय ऑन डीप करना है यहाँ पे, ठीक है, बाय ऑन डीप करना है, और ये लेवल अगर सपोर्ट लेवल पे बने तो बहुत बढ़िया, और साथ ही साथ PCR रेशियो भी देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, फिर स्टॉप लॉस हिट करता है, अब उसे नीचे आना है तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे, अब ऊपर नहीं जा रहा, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, फिर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम यहाँ पे सेल ऑन राइज करेंगे, सेल ऑन राइज, ठीक है। साथ ही साथ PCR रेशियो भी देखिए, और ये अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बने तो बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। अब देखिए ओपनिंग में बाइंग देता है 1 मिनट में, ठीक है, और अब यहाँ से नीचे नहीं आ रहा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस लेवल से नीचे नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया कि यहाँ पे बायर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हैं कन्फर्मेशन के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉल साइड पे अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग में बाइंग देता है, फिर ओपनिंग लेवल ब्रेक करता है, अब ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि सेलर बहुत स्ट्रांग है, तो हम यहाँ पे सेल ऑन टॉप कर सकते हैं, मतलब सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है।
अब ये पहले चार पैटर्न मैंने बाइंग वाले बता दिए, मतलब ओपनिंग में अगर बाइंग देता है तब। अब चार पैटर्न ओपन होता है और सेलिंग देता है 1 मिनट में, यहाँ से यहाँ आया, स्टॉप लॉस हिट करा, अब उसे ऊपर जाना है, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर अगर नीचे नहीं आ रहा, यहीं से ऊपर जा रहा, तो हमें क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा है, तो हमें बाय ऑन डीप करना चाहिए, बाय ऑन डीप करना चाहिए। ठीक है, अब ये लेवल अगर सपोर्ट लेवल पे बनता है ये पैटर्न, तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब दूसरा, सेलिंग दे रहा है, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा, अब ऊपर नहीं जाना है इस लेवल, तो यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, तो हम इसमें सेल ऑन राइज करेंगे। सेल ऑन राइज कंफर्मेशन मिलने के बाद ही सेल करना है, और ये पैटर्न अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बने तो बहुत ज़्यादा पावरफुल। अब दोस्तों, अगर सेलिंग दे रहा है फिर ऊपर जा रहा है, अब ऊपर ही नहीं जा रहा, यहाँ से नहीं जा रहा, अब ऊपर नहीं जा रहा, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा, तो सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक है, सेल ऑन राइज, हमें कंफर्मेशन मिल गया ना कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये पैटर्न अगर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बने तो 100% कामयाब होगा, साथ ही साथ पीसीआर रेशियो भी देखिए। अब यहाँ से नीचे आता है, फिर ओपनिंग लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, अब ओपनिंग लेवल के नीचे नहीं आ रहा, यही से ऊपर जा रहा है, समझो यहाँ पे कंसोलिडेट किया किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, तो हमें बाय ऑन डीप करना है। ठीक है, बाय ऑन डीप करना है, नीचे के लेवल पे बाय करना है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये 8 पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए किस तरह से निफ्टी में काम। अब चलिए 1 मिनट में आज जरा डिमांड और सप्लाई लेवल पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कितना कन्फ्यूजन था ये भी आपको समझा देता हूँ। बैंक निफ्टी में तो हमने देखा है उस वीडियो में, लेकिन निफ्टी में भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, पैटर्न तो बनते हैं लेकिन कभी कभार कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा दिया उसने, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया ना कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें दूसरा वाला पैटर्न ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हमारे लिए दूसरा पैटर्न का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया, दूसरा वाला, मतलब ये यहाँ से नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट करा, फिर ऊपर गया, अब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आ गया, तब यहाँ पे बाइंग साइड का तो ख़त्म हो गया। अब हमें पता चला कि यहाँ पे सेलिंग साइड में ज़्यादा, तो इस लेवल को नहीं ब्रेक किया तो यहाँ से नीचे आ गया, तो आप यहाँ पे भी पुट ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेवल है ना, तो हम सपोर्ट लेवल पे पुट नहीं लेते, तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पे गया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने यहाँ पे छोड़ दी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाला मार्केट था आज, तो बाद में फिर यहाँ पे ऊपर आया। ठीक है, यहाँ से ऊपर आया, अब यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे डिमांड भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल मार्केट कंफ्यूजन वाला मार्केट था आज, तो आज कुछ बैंक निफ्टी निफ्टी में कुछ मज़ा नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट में भी समझा दिया कि अगर डिमांड और सप्लाई लेवल में भी कंफ्यूजन है, और अगर आपको कभी ट्रेड करते वक्त कंफ्यूजन हो रहा है कि आप क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, एक दिन अगर आपका ट्रेड नहीं गया तो चलेगा, लेकिन ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान रखिए, अपना कैपिटल प्रिजर्व करने की कोशिश कीजिए, लॉस तो होता है। ठीक है, लॉस तो होता है, लॉस को आप टाल नहीं सकते, हो गया तो भी उसको कम रखने की कोशिश कीजिए, कम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस दिन भी प्रॉफिट बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, तो सारा लॉस रिकवर होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप अभी हमारे चैनल पर नए हो, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर जल्दी मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।